परिचय बताइए सर। हम रमा शंकर सिंह, दैनिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष, जिला संरक्षक। हमने अभी पैदल मार्च किया और मार्केट पर भ्रमण किया, क्या है मामला? मामला ये है कि दैनिक कर्मचारियों का पर फर्जी ढंग से FIR लिया गया है, किया गया है, और उसको वापस करने की बात कही जा रही है। और दैनिक कर्मचारियों का 2012-13 का बकाया वेतन, जो DM साहब के निर्देश पर समझौता हुआ था, जिसमें वन क्षेत्र का अधिकारी और BDO और SDM वगैरह मौजूद थे, लेकिन उसको देने की बात कहकर अभी आज तक नहीं दे पाए। तीसरा ये बात है, जो कि दैनिक कर्मचारियों का विनियमितीकरण है, शासनादेश के आदेश के बावजूद भी विनियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, और झूठा आरोप लगाकर, झूठी बात कहकर उनको हटा दिया जा रहा है कि इनके योग्य नहीं हैं, जबकि सरकार का आदेश 3-3 बार हुआ है विनियमितीकरण करने के लिए। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दैनिक कर्मचारियों को शिथिलता बरतते हुए विनियमितीकरण करने के लिए कहा गया था, उस पर एक भी दैनिक कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं किया गया। ये चंदौली जिला सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए था पर्सनल। अच्छा बताइए सर। त्रिवेणी प्रसाद, प्रदेश संरक्षक, उत्तर प्रदेश चतुर्थी राज्य कर्मचारी महासंघ। अभी आप लोग ने रैली किया भारी संख्या में, क्या है मामला? ये मामला है, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पहली बात जी, उत्पीड़न इनका कई ढंग से किया जा रहा है। पहले तो इनको विनियमितीकरण नहीं किया जा रहा है सरकार के आदेश के बाद भी, अब हिला हवाली कर रहे हैं। उस विनियमितीकरण से रोकने के लिए ये 13-13 दिन का वेतन भुगतान करने जा रहे हैं, और कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से आरोप लगा कर निकाल रहे हैं, फर्जी मुकदमा बझा रहे हैं, और इनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। अभी तनख्वाह इनकी कई महीना से, मई जून जुलाई तक का बाकी है। तो इसके बारे में आपने संबंधित विभाग से गुहार लगाई? ये गुहार तो हम लगाते आ रहे हैं 2012-13 से जी। जिला अधिकारी के समझौता कमेटी बनी, उप जिला अधिकारी द्वारा समझौता किया गया ही नवगढ़ में, और 2012-13 समझ लीजिए आज है 2021 होने जा रहा है, 2020 समाप्त होने जा रहा है, अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिला। धरना प्रदर्शन तमाम बातें हुई, यहाँ 60 दिन तक आंदोलन चला, उसके बाद समझौता हुआ DM साहब के हस्ताक्षेप से। ये अधिकारी बेनकेल हो गए हैं अब, और ये अधिकारी अपने को तानाशाह मानते हैं। DFO यहाँ बैठ करके फरमान जारी करता है कि इनको निकाल दो, इनको हटा दो। और हमारा एक आरोप और है, अभी तो नहीं है लेकिन आरोप लगेगा अब धरना देंगे तो, कि हमारे कर्मचारियों कहते जमीन जोत लिए। हम तो चैलेंज देते हैं इन अधिकारियों को कि हमारे कर्मचारी 4 बीघा जमीन कहीं जोता हो आचर अपने कार्यकाल में, तो उसको निश्चित दंड मिलना चाहिए। लेकिन ये जो वन माफिया हजारों हजार एकड़ जमीन जोत करके राजा बने हैं, इनके घर में बैठ करके मुर्गा तमाम चीज़ खाते पीते हैं कुर्सी में, और स्पेशल चाय पीते हैं। तो इसका प्रमाण क्या है आपके पास? प्रमाण है, जंगल है, ये जंगल है प्रमाण, जंगल। आप हम तो चैलेंज करते हैं, कमेटी गठित कर रहे हैं DM साहब, और भ्रमण कर लें, जंगल ही बता देगा कि हम फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि सही आरोप है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य चाहता है कि पहले दैनिक कर्मचारी को विनियमितीकरण करें, पहला काम, कम से कम रोजी रोटी इनको मिले, इनको तनख्वाह 30 दिन का दें, 13-13 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं। आप सोच लीजिए, पत्रकार हैं आप, आपसे क्या हम तारीफ करें, 13-13 दिन का तनख्वाह बनाने जा रहे हैं। अभी एक सूचना मिली कि 7 दिन की तनख्वाह बनी। तो इसके बारे में आज लिखित हो गया सूचना दी है? लिखित सूचना मैंने ज्ञापन दिया, इनको मैंने चेतावनी दिया है। तो क्या आप लोग को लगता है कि आपके समस्याओं का निस्तारण होगा? निस्तारण तो हम लोग बहुत कराए हैं, कराएंगे भी। अगर जब हम आंदोलन किए तब तब हमारे अपने कर्मचारियों को मैंने कुछ कुछ दिलाया है, और ये धरना, आपको विश्वास है आपके समस्याओं का निस्तारण होगा? निस्तारण होगा कर्मचारियों की एकता के बल पर, कर्मचारी हमारे एकता में हैं, इकट्ठा रहेंगे, और इनके बल पर ये अधिकारी झुकेंगे।